जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोप में बिहार के जहानाबाद में गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद शर्जील को रात भर महिला थाने में गुजारनी पड़ी, जहां उसे महिला थाने में नींद नहीं आई। शर्जील को खाने में रोटी, पराठा और सब्जी दी गई, लेकिन उसने थोड़ा ही खाया। आज दिल्ली पुलिस शर्जील को पटना से दिल्ली लाकर पहुंच चुकी है, जहां उसकी क्राइम ब्रांच के सामने पेशी होगी। इसी बीच पटना हवाई अड्डे के बाहर अराजकता रही। मीडिया कर्मी इमाम की शिफ्टिंग को लेकर पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ पटना एयरपोर्ट पर हाथापाई की। इस दौरान घटना में कुछ मीडिया कर्मी घायल भी हो गए। आपको बता दें कि शर्जील के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने पर यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच थाने में भी देशद्रोह और अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की दबिश बढ़ते ही शर्जील गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा था, लेकिन मंगलवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम द्वारा शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद क्षेत्र से उसके पैतृक निवास से गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ डेस्क।